बनाते तो बेसिकली हम लोग साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन चाइनीज सब बनाते हैं। बाकी हमारे साउथ इंडियन का मेन काम ज्यादा है। डोसा वगैरह हमारे यहाँ बहुत अच्छा बनता है, बहुत रश आता है यहाँ पे। जिन दिनों में ये बाजरा में इंस्टीट्यूट चलता था तो बड़ा फेमस होता था यहाँ पे। अभी तो बच्चे स्टूडेंट वगैरह के कोरोना के चक्कर में है नहीं यहाँ पे, तो जिन दिनों में मार्केट चालू हो जाएगा काम हमारे को बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे। और डोसा वगैरह बहुत फेमस है हमारे यहाँ, मसाला डोसा बहुत अच्छा रहता है। बाकी और चाइनीज आइटम है, साउथ इंडियन स्पेशल हमारा जैसे नॉनवेज वगैरह होते हैं। और आपके शॉप के टाइमिंग्स क्या क्या है? टाइमिंग सुबह 7:30 से और नाइट भी तो फिलहाल 9:30 तक है। लोगों को ब्रेक वगैरह नहीं है, कंटिन्यू चालू रहता है हमारे यहाँ पे। एनी टाइम सब सामान अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। करोल बाग मेन मार्केट में हमारी दुकान है, ये सरोना मेस के नाम पे जाना जाता है। इसका एड्रेस है 15A/9 मैर कैस्टल होटल के नीचे हमारी ये शॉप बना हुआ है। और मैं दुकान का ओनर हूँ। और उसका सुबह टाइमिंग रहता है सुबह 7:30 से नाइट 10:30 तक अवेलेबल है। डोसा वगैरह सब हमारे यहाँ बहुत अच्छा बनता है, वेज नॉन वेज साउथ इंडियन चाइनीज सब बनता है हमारे यहाँ पे। और बड़ा टेस्टी खाना हमारे यहाँ पे। हम इस दुकान को चलाते हुए 8 साल करीब हो गए रन करते हुए। थोड़ी देर भिगो के उसके बाद ब्लेंडर में पीसते हैं, पीसने के बाद थोड़ी देर बाहर रखते हैं, पीसने नाव डाल के मिलाते हैं, मिलाने के बाद फिर डोसा बनाते हैं। और ये डोसा बनने वाला जिसमें ये जो है प्याज का मसाला जो है, इसमें प्याज है, गाजर है, हरी मिर्च है, टमाटर है और अदरक है, इसको काट के बनाते हैं। इसको इसमें जो उबला हुआ आलू होता है उसके अंदर इसको मिक्स करते हैं, फिर डोसे के ऊपर लगा के डोसा बनाते हैं। मेथी दाना थोड़ा सा चना दाल डाल के उसको 3-4 घंटा भिगोते हैं, पीसते हैं, पीसने के बाद थोड़ा देर रखते हैं। फिर इसमें नमक और थोड़ा सा चीनी डाल के फिर मिक्स करके फिर इसको ये बनाते हैं। तीन डाल दें अच्छे से पक जाए। थोड़ी देर बाद ये आलू जो मसाला है इसका ये प्याज का पेस्ट अलग बनाते हैं। और एक प्याज के पेस्ट में गाजर, अदरक, मिर्ची, टमाटर इसको बना के अलग से रखते हैं, आलू उसमें मिला देते हैं। तो ये मसाला है मसाला। यहाँ पर मैं लास्ट 6 मंथ से आ रहा हूँ और मैं इनका डोसा खाता हूँ, इडली भी खाता हूँ। इडली और वड़ा खाकर, इडली जो होती है सॉफ्ट एंड फ्रेश होती है और वड़ा भी बहुत क्रिस्प होता है। आज मैं इनका मसाला डोसा ट्राई कर रहा हूँ, ये भी बहुत क्रिस्प है। एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिए। और ये साउथ इंडियन बहुत अच्छा देते हैं, चाइनीज में भी इनके पास अवेलेबल है। अगर आपको इन सबको ट्राई करना है तो आपको आना पड़ेगा करोल बाग मेन मार्केट में। ये आप इनका मेन्यू देखिए एक बार, आप जरूर आके ट्राई कीजिए करोल बाग मेन मार्केट में। थैंक यू।